बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट शर्मा जी, सभी डायरेक्टर्स और मेरे भाई और मित्री मेहरा जी जिन्होंने मुझे रेफर किया, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सबसे निवेदन है कि आने वाले कुछ मिनट जो पल मेरे साथ आप बिताएं, एक एक बातों को निचोड़ लें, खून की गहराइयों में डाल लें, क्योंकि इन्होंने जो समय दिया है आपका अरबपति बनने का, मैं प्रयास करूंगा वो और कम होने वाला है। जब भी कोई बात अच्छी लगे तो आपने एक ही बात बोलना है और वो ये है, नहीं जगाना है, भारत बनाना। जब भी कोई बात अच्छी लगे। और साथ साथ मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में गया, मुझे कुछ लोगों के पेट में कब्ज होती है, कुछ लोगों के चेहरे में कब्ज होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे आप मेल है, फीमेल है, ईमेल है या जीमेल है, ध्यान से सुन लें। ये पल जो आप साहब ने कहा भी ऐतिहासिक पल, अभी बोला नजरें मेरी तरफ रखे, मोबाइल को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने जाएंगे तो मुझे मिस कर जाएंगे। तो मैं जब उस कार्यक्रम में गया तो मैं हैरान रह गया, वहां पे मैंने जोश देखा ही नहीं, वहां पे मैंने मुस्कुराहट देखी नहीं, और यहाँ जोश के अलावा कुछ है ही नहीं। जी जी, मैंने कहा था जब भी कोई बात अच्छी लगे तो आपने क्या कहना है, गजब का स्लोगन, पैसे कमाना है नहीं बोला क्या, भारत को बढ़ाना है, भारत को जगाना है, कितनी सुंदर टैगलाइन है देखो। क्योंकि मैं मानता हूं जो पैसे लोग कमाते हैं जरूरी नहीं उनका मोरल भी अच्छा हो। Yes. और यहाँ पहले मोरल की बात की गई, यानी पहले भीतर को ठीक करना है फिर बाहर को ठीक करना है। और समझिए टैगलाइन की गहराई को समझिए, तो जहां विचारधारा इतनी प्रबल हो, जहां सोचने की शक्ति इतनी प्रबल हो, वहां आपका सफल होना निश्चय है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। आवाज से बता दूंगा कौन बोल रहा है, कौन बैठी गंगा में हाथ धो रहा है।
बिना देखे सारे सिटीज का नाम बता दूं। मैंने आज तक ऐसे ये सेलिब्रेशन, ये माला, ये फोटो लोगों को भेजना है, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। आपको बढ़िया बढ़िया फोटोज खिंचवाने हैं ताकि उनमें जलन पैदा हो, ताकि वो कहें ये कहाँ हो। तो आप कहिएगा पहले फोटो का मजा लो, बाद में बताते हैं। किस्मत बनाने के लिए काम तो दो बातें आपसे करूंगा। एक तो जब भी कोई बात अच्छी लगे तो आपको पता ही आता मॉरल जगाना है, भारत बनाना है। दूसरी बात चेहरे पर मुस्कुराहट रखे, और तीसरी बात एक छोटी एक्टिविटी कर लेते हैं तो मुझे आपका जोश का लेवल पता चल जाएगा कि आपका जोश कितना बरकरार है। दो चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, दो चिड़िया आकाश में उड़ रहे थे, 20 से हवाई जहाज निकल गया। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को देखकर कहती है, दिखने में ये हमारे जैसा लगता है पर इसमें ऐसी क्या बात है जो हमको हरा कर निकल गया। दूसरी कहती है, इसकी पूंछ में आग लगी। अरब सागर के पास अरबपति बनने का सूत्र की पहली शुरुआत है। 24 सूत्र शर्मा जी से मैं भी सुनना चाहूंगा, एक तो उन्होंने बताई दिया था, पेश में सुनूंगा, लेकिन पहली शुरुआत है, जिसकी पूंछ में आग लगी है उसको कोई नहीं रोक सकता है। कभी कभी कुछ भौचक्के लोग आ जाते हैं प्रोग्राम में, सब ताली क्यों बजा रहे हैं, क्या हो गया ताली बजा, ये देश वैसे ही मुश्किल में है। देश बिल्कुल ठीक है, हम मुश्किल में। कभी शर्मा जी ने एक बात बोली, अगर सफल होना है तो सफल व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा। और मैं आपको व्यक्तिगत अनुभवों से ये कहता हूं, कमल कीचड़ में खिल सकता है, इंसान नहीं खिल सकता। कमल खिल सकता है, इंसान नहीं खिल सकता। आपको अगर अरबपति बनना है, जो आप बनेंगे, तो आपको उनके साथ उठना बैठना करना पड़ेगा जो इस सोच में चलते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं, गरीब की मदद कर दो, दोस्ती अमीरों से कर दो। जो मेरे मित्र कलकत्ता या बंगाल से होंगे, जरा हाथ उठा दो, काफी लोग हैं। जब मैं पहली बार दिल्ली आया, मेरे पिताजी का व्यापार खत्म हो चुका था, वो बैंकरप्ट हो चुके थे। एक ही रात कलकत्ता छोड़कर मुझे दिल्ली भागना पड़ा परिवार के साथ, और यहाँ आकर दिल्ली आके मैंने पालिका बाजार में नौकरी करनी शुरू की, पालिका बाजार में। और वहां मुझे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का एक व्यक्ति मिला। उस समय वेबिनार बोल के कोई चीज नहीं हुआ करती थी, और उसने कहा, बेटे इसी तरह हैंगर पे जिंदगी टंगती रहेगी या जिंदगी बनाने का भी सोचते हो। और मैं उस समय 750 रुपए कमाता था महीने में। उसने कहा, जितना तू 9 से 6 में कमाता है उतना 6 से 9 में तुझसे ज्यादा कमा सकता है। मैं उसके बात सुनकर एक सेमिनार में गया, जैसे आप सेमिनार में आए होंगे, मैं उसके बात सुनकर एक सेमिनार में गया। उस सेमिनार ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी, और उसने मुझे वहां पहुंचा दिया जिसकी वजह से आज मैं 100 देशों में जाना जाता हूं। 28 साल से ये काम कर रहा हूं, अभी भी मार्केट में बना हुआ हूं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से मैं नहीं जुड़ता तो कभी मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। मेरे उस्ताद जिनको यहाँ की भाषा में, नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में अपलाइन बोलते हैं, स्पॉन्सर बोलते हैं, मेरी अपलाइन उस्ताद ने मुझे एक ही बात सिखाई थी अंग्रेजी के मामले में,
उसने कहा था मैं एक ही तेरे को फंडा दूंगा अंग्रेजी के मामले में और एक ही रात में मैं तुझे ठीक कर दूंगा। मैंने कहा एक रात में अंग्रेजी कैसे ठीक करेंगे करेंगे, मैंने उनसे कहा। उन्होंने कहा सीधा सा फंडा है अंग्रेजी का, जो तुझे ठीक लगे वो बोल, जिसको समझ में आए वो उसकी प्रॉब्लम। मैंने कहा अगर मैं किसी को अंग्रेजी में बोलूं और उसको समझ में ना आए तो उसकी प्रॉब्लम। तो मैंने कहा अगर मैं टूटी फूटी जैसी भी अंग्रेजी में बोलूं तो सामने वाला तुमको बोलेगा एक्सक्यूज मी, यही तो बोलेगा, समझ में उसके नहीं आया। जब समझ में उसके नहीं आएगा तो तेरे को कहना आपको अंग्रेजी नहीं आती तो मैं हिंदी में बता देता हूँ। मैंने बहुत सर्वे करके देखा है और मैं उंगलियों पे काम कर सकता हूँ, भारत में 25 नेटवर्क मार्केटिंग के ऐसे लीडर हैं जो मेरी ट्रेनिंग से 100 करोड़ पार कर गए हैं। 25वें भारत में काम कर रहा हूँ और आज की ट्रेनिंग के बाद मैं इसको 50 का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। क्या है शाम तक कुछ ना कुछ लीडर ऐसे होंगे जिनका बिजनेस आज सुबह से शाम तक मल्टीप्लाई कर चुका होगा। ये मत सोचना परसों सुबह कार्यक्रम खत्म होगा तब मैं पैसे कमाऊंगा, 24 घंटा पैसा कमाने की मशीन जारी रहनी चाहिए। जिस आदमी में पैसा कमाने की तमन्ना भूख होती है इतना साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, और मैं भी भूखा ना रहूं, साथ बदल दो इसको, बदल दो, साई इतना दीजिए जामे विश्व समाज, और मैं भी भूखा ना रहूं, विश्व ना भूखा जाए। पहली चीज जोश को बरकरार रखिए, इस लाइन में हुनर की जरूरत नहीं है हौसले की जरूरत है। हुनर वाले खरगोश की तरह होते हैं जो पेल पे आते हैं और हौसले वाले कछुए की तरह होते हैं जो लगातार चलते चलते पास हो जाते हैं। इस लाइन में शक्ति की जरूरत है जिसके फोन में डेटा बेस है और जो केवल फोटो शोटो अपलोड करता और कहता भाई अगर तुझे बेहतरीन जिंदगी जीनी है, अच्छी जिंदगी जीनी है, तालियों की जिंदगी जीनी है, म्यूजिक की जिंदगी जीनी है, लाइफस्टाइल बदलना है, एक बार मेरे से मिलने जिंदगी बदल जाए। सामने वाला आपसे कहेगा एमएलएम तो नहीं, मेंबर बनाने वाले काम तो नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, यही कहेगा जोर से हाँ बोलिए। आपने कहना है तेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं 10 लोगों से बात करता हूं 9 तेरी भाषा बोलते हैं, एक मुझे मान जाता है वो करोड़पति बन जाता है। तुझे डिसाइड करना है 9 का हिस्सा बनना है या 1 का हिस्सा बनना है, और पूरी दुनिया नेटवर्क कर रही है, गूगल नेटवर्क नहीं कर रही, फेसबुक नेटवर्क नहीं कर रही, यूट्यूब नेटवर्क नहीं कर रही। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, मैं अपनी अकेली कमाई पर अब चलने वाला नहीं हूं, मैं लोगों का टाइम लेकर अपनी कमाई को मल्टीप्लाई करने वाला हूं, इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। देखो पीछे वाले लोगों को ना हमेशा सुविधा होती है और आप नहीं जानते मेरी चील वाली नजर है, चील चश्मों को नजदीक का नहीं, दूर का एकदम ठीक है। 35,000 फीट की ऊंचाई से भी मैं नीचे का मकान देख लेता हूँ कि कौन नेटवर्क कर रहे हैं। पीछे वाले भाई आपको भी इसी जोश के साथ जवाब देना है जैसा मैं बोल रहा हूं। एक गांव में नया नया कंजूस आया, पहले इसको सुनो, इन लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगी जिनकी कहानी मैं बता रहा हूं, आप उनमें से नहीं, आप उनमें से नहीं। उस गांव में पहले से कंजूस मौजूद थे, नया कंजूस आया पुराने कंजूस की मार्केट खत्म करने के लिए, पुराने कंजूस के घर फल पेपर के ऊपर बना के ले गया। बेटा घर पे था, आप पिताजी आए तो दे देना रात को खा लेंगे, खरीद तो सक नहीं सकते। अभी शर्मा जी ने बोला अगर कुछ पाना है तो पहले देना होगा, याद है, चाहे मुस्कुराहट देनी होगी,
चाहे हाथ देना पड़ेगा, चाहे गले लगाना पड़ेगा, जो देता है उसी के पास वापस पैसा आता है। इसलिए पेपर के ऊपर कुछ फल बना के दे दिए, कहा पिताजी आए तो कहना रात को खींचेंगे। बेटा भी पुराने कंजूस का बेटा था, उसने कहा मैं रिटर्न गिफ्ट देता हूँ। क्या बात है। बेटे ने हवा में काम बनाया, कहना मत रात को ये खा लीजिए। अरे रुको, अभी पार्ट टू बाकी है, उसमें मजा है। शाम को पिताजी घर पे आए, बेटे ने कहा आप कहते थे मैं व्यापार नहीं कर सकता, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता। ये कंजूस आया था, पेपर ले गया, कम से कम पिछला हिस्सा खा लिया, उसको अपन यूज कर लेंगे। पिता ने कहा तूने क्या किया? बोले मैंने हवा में ही मामला साफ कर दिया। करके दिखा, बेटा ने हवा में काम बनाया, पिता ने काल पे लगाया, कहा इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है। कुछ लोगों के चेहरों पे कमजोरी, कुछ लोगों के पेट में कमजोरी। राजेश अग्रवाल की बात याद रखना, 28 साल का अनुभव है। अगर आपने आज अपनी नाच करती हुई फोटो, मुस्कुराहट वाली फोटो अपलोड कर दी, आपका बिजनेस डबल होना गारंटेड है, कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये दिल की गहराइयों से मैं आपसे कह रहा हूं, मैं भाषा का ट्रेनर हूं, विचार का ट्रेनर हूं, बोलने की कला का ट्रेनर हूं। जो भाषा शैली विचार सद्भावना अभी थोड़ी देर डेढ़ घंटे में मन से देखने को मुझे मिला है, अच्छी अच्छी जगह मुझे नहीं मिलती। मैं आपको मुबारक बात देना चाहता हूं। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम जाने से पहले मैं एक एक्टिविटी कराऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा क्या आप तैयार हैं, और आप सब कहेंगे हाँ हम तैयार हैं। मेल फीमेल ईमेल जीमेल सबको कह रहा है, बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर मैं आपसे कहूंगा गो, और जब मैं गो कहूंगा तो आपको आगे पीछे दाएं बाएं चार लोगों से ये कहना है कि मेरा करोड़ अरबपति बनना तय है, कोई रोक नहीं सकता। कितने लोगों से बोलना है? चार लोग। हम अक्सर अपनी भाषा में कहते हैं टेक अ चांस, टेक अ चांस, टेक अ चांस, यू कैन बिकम अरबपति बाय चांस। जब तक मुंह से बोलना शुरू नहीं करेंगे, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा था राजेश भाई एक दिन आएगा जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उतना तुम्हारा पर सेकेंड भी इनकम होगी। पर सेकेंड आज उससे ज्यादा है। टैक्स डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम में डाल देगा, और मुझे पैसा कमाने में बहुत मजा आता है। मेरे अंदर 37 ट्रिलियन कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं जब पैसे की बात आती है, मुझे बहुत मजा आता है। और इसलिए मजा आता है, मेरे दरवाजे पे कोई आए तो खाली हाथ वापस ना जाए, और ईश्वर ना करे मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना हो, इसलिए मजा आता है। मैंने वो पल देखा है कि दो रात बिना खाए में रहा था, वो पल देखा। जब तक आपके जीवन में कोई दर्द भरी कहानी ना हो, पैसे का जोश नहीं आ सकता। आप दो चार पांच लाख पे पेआउट बन गया, बस भैया साइन करा दीजिए, आप कोटेशन बोलते चुप हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग डॉल्फिन मछली की तरह याद रखिए, मैं सिखा दे रहा हूँ। हालांकि मेरे से बहुत अनुभव मेरे मंच पर आएंगे, पर जितना मुझे अनुभव मैं सिखाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग डॉल्फिन मछली की तरह, डॉल्फिन मछली आपको देखा होगा सबसे चालाक मछली, कूदती है, डांस करती है, देखा होगा। अब जब डॉल्फिन मछली कूदती है तो उसका ट्रेनर उसको खाना देता है। हर बार जब उसको खाना मिलता है तो डॉल्फिन मछली के माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मैं जितनी बार कूदूंगी उतनी बार मुझे खाना मिलेगा। चूंकि चलान मछली है तो अगली छलान थोड़ा धीमे लगा। नेटवर्क मार्केटिंग कंफर्ट जोन, अब पे आउट आ रहा है, क्या जरूरत है, समझ गए थे से हाँ बोलेंगे।
ट्रेनर उससे ज्यादा चला था। ट्रेनर छोटी चालान पे खाना नहीं देता है। अब ये सोच में पड़ जाती है, अगर मुझे खाना नहीं मिला मतलब ये हुआ मेरी चालान में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये क्या करती है, पिछली चालान से अगली चालान उससे बढ़िया लगाती है। ट्रेनर फिर भी खाना नहीं देता, फिर ये और लगाती है। ट्रेनर फिर ये और बढ़िया। तब ट्रेनर एक तब डॉल्फिन मछली को समझ में आ जाता है, अगर पे आउट लेना है तो हर चालान पिछली चालान से बेहतर लगाना है। देखो बात सिंपल है, मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया है मैं वही काम करता हूँ। मेरा काम है पूछ में आग लगाना और मेरा काम है आपकी आमदनी बढ़ाना। सिंपल बात समझ में आगे तो जोर से बोला जाए। yes! हाँ, इसके साथ साथ अपने नैतिकता के को बरकरार रखना, ये पहले ध्यान रखना है। मैं लोगों को जब पैसे कमाने की बात बोलूं तो उनसे मुझे आशीर्वाद मिले ना कि बदवाएं मिले। ये तो अपन एक एक्टिविटी करेंगे, फिर मैं अगले पड़ाव में जाऊंगा। पहली प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप तैयार हैं? Yes. और आप सब ने पीछे से लेकर आगे तक आप सब ने बोला है हाँ हम तैयार हैं। ना ना ना, हाँ हम तैयार। आपने बोलना है हाँ हम तैयार। 500 लोग से ज्यादा है इस हॉल में, अगर मैं माइक भी हटा दूं तो भी मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी। सो क्या आप तैयार हैं? मेरा काम ही आवाज है। दिल्ली में जब मैं पहली बार आया था किसी से मैंने पूछा क्या हाल है, कहता है कट रही है। कट रही है, समझा कहीं से कुछ कट गया। मैंने पूछा भैया कहां से कटी, कितनी नहीं भाई साहब जिंदगी कट रही है। माफ करना, जिनके शब्द इतने निराशाजनक है वो कैसे अरबपति बन पाएंगे। माफ करना, आज के बाद जीवन से सारे निराशाओं के शब्द उठा के फेंकते और एक ही शब्द रखें कि आने वाले 5 साल में मुझे आर्थिक आजादी प्राप्त करनी है, मुझे मर्सिडीज कार अचीव करना है, मुझे कार प्लान अचीव करना है, मुझे हाउस का प्लान अचीव करना है। एक ही विचार, एक ही सोच। और जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं, बच्चे ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है। तुम जब घर जाओगे कभी तुम हम लोगों से ज्यादा एक्सपर्ट हो, तुम अपने फेसबुक पे या जो भी तुम यूज करते होगे उस पे ये सारी फोटो डालो। तुम्हारे स्कूल के दोस्त कहेंगे वहां घूमने गया था, तब तुम बोलना मेरी मम्मी मेरे पापा ये कैसे बिजनेस में है जहां हर महीना घूमने का मौका मिलता है। जगाना है। अब ये बच्चा अपने माँ बाप के पास जाए और कहेगा आप किस बिजनेस में जुड़िए जहां हर महीना घूमने का मौका मिलता है। बात समझ में आगे की से बोलिए, ये बिजनेस दिखावे का बिजनेस है, ये बिजनेस सेलिब्रेट दिखावा मतलब सही दिखावा। तो याद रखिए, अगर आप चुपचाप कोने में बैठे हैं, हमको ज्यादा फोटो नहीं खिंचवाना है, हमको ज्यादा ये गलत बात बिल्कुल खिंचवाना। अब क्या ये मेरे सोशल मीडिया पे, मैं तो गाड़ी ड्राइव करते हुए वीडियोस डालता हूँ। कल मैं एयरपोर्ट पे था तो एयरपोर्ट से मैंने उसी बंदे को कहा फोटो खींचो, क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, उसका अगर लाभ आप नहीं उठा रहे हैं तो पीछे हो जाएंगे। सोशल मीडिया आपको बिजनेस नहीं देगा लेकिन क्वेरी जनरेट करेगा। लोग आपको फोन करेंगे भाई कौन से बिजनेस में हो, और ज्यादा से ज्यादा ये पूछेंगे मेंबर बनाने वाले काम तो नहीं, ये बनाने वाले काम तो नहीं, ये सब पूछेंगे क्योंकि कुछ गलत लोगों ने मार्केट को खराब कर रखी है। तब आप कहना भाई साहब 15 साल से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूं। 15 साल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप 10 साल से ज्यादा जुड़े हो तो उसको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, आपको 15 साल से जुड़े। और इस 5 दिसंबर को मेरा जहां तक मुझे पता लगा 16वें साल में एंट्री कर रहे हैं। 16 मेरा जन्मदिन का नंबर है और 6 और 1 अगर मिला दे तो 7 होता है। दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूमरोलॉजिकल नंबर है नंबर 7। मैं मानता हूँ 16 साल की यात्रा आपने तय कर ली है, अब प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने प्रूफ कर दिया है। पूरी बात को समझिए, यहाँ पे जितने भी मित्र आए हुए हैं उनकी जेब में अगर आज से उनका 1 साल का गोल
दो साल का गोल, पांच साल का गोल नहीं है, केवल मन में अगर गोल है तो माफ कीजिएगा आपके लिए लक्ष्य प्राप्त करना असंभव होगा। जब तक गोल को सामने नहीं रखेंगे और हर वक्त नहीं देखेंगे, जैसा मुझे मेरे स्पॉन्सर ने सिखाया था, राजेश अगर आपको बड़ा बनना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो चारों तरफ दीवार पे वैसी पिक्चर लगा दो। और मैंने चारों तरफ दीवार पे पिक्चर लगाई, क्योंकि मैं मानता हूँ जिस अवस्था में मैं कलकत्ता से दिल्ली आया था, जो मेरी हालत थी, मैंने पूरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की, उसके बावजूद भी मैं अगर ऐसी किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के अपनी किस्मत बना सकता हूँ तो आप मुझसे अच्छा बना सकते हैं। क्या क्या करना है, हम उसमें आते हैं, क्या क्या करना है। तो पहला प्रश्न यह है कि आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अब मैं आपसे कहूंगा गो, ठीक है? गो बोलते ही आपको चार लोगों से मिलना है, और मैं यहां से देखूंगा, और मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निवेदन करूंगा, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छी बात। मैं तो हैरान रह गया कि बच्चों का भी सम्मान किया जाए। मैं सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि मैं ट्रेनर हूं। मुझे एक दो डेढ़ घंटा ऑब्जर्व करने के बाद बोलने का कॉन्फिडेंस कैसे आया, जब मैंने चीजों को देखा, गहराइयों को समझा। चावल का एक दाना पकड़ के समझ में आ जाता है चावल ठीक है। तो मैंने देखा जब बच्चों तक के सम्मान का ख्याल रखा जाता है, वो हाथ आपको कभी भी गलत जगह नहीं पहुंचा सकता। आपने सही हाथ में अपनी जिंदगी दे दी है, बस आपको कुछ रूट फॉलो कर रहे हैं, और ये संकल्प लेना है कि पांच साल के अंदर मैं आर्थिक आजादी प्राप्त करते रहूंगा, और मेरे साथ जो भी जुड़े हैं उनकी भी आर्थिक आजादी प्राप्त करवा के रहूंगा। ये संकल्प है। इस बिजनेस का साइंस ही ये है कि जब तक आपकी टीम कामयाब नहीं होगी आप कामयाब नहीं हो सकते। इस बिजनेस का साइंस ये है, इसलिए आपको अपनी टीम के साथ हमेशा टच में रहना पड़ेगा। एक्टिविटी करेंगे तो मैं सुनाता हूँ कि मैं अगले बार आऊंगा। एक बार फिर क्या आप तैयार हैं? Yes! जैसे मैं बोलूंगा गो, आपने झट से खड़े होना है, खड़े होने के साथ चार पांच लोगों से मिलना है, कहना है मेरा और आपका, उसको बोलना है मेरा और आपका। अगर पति पत्नी भी आपस में हाथ मिला लें आज के दिन तो कोई बुरी बात नहीं है। राजेश जी आप कैसे कर रहे हैं? रोज ही हाथ मिलाते हैं, आप मिलाते हैं, आप दिल भी मिला लीजिए। और मैं प्रूफ कर दूंगा कार्यक्रम के अंत तक, जिस घर में पति पत्नी मिलकर बैठकर को संभालते हैं उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में और खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि मैं पूरे भारत में 92 शहरों में लाइव प्रोग्राम किया है, हर शहर का अंदाज बता सकता हूं। जैसे वेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर त्रहान है, दिल खोल कर बता देते कौन से स्टेट का दिल है, दिल खुला और बता देते कौन से। 92 शहरों में क्या होगा, हर स्टेट का पानी बता सकता हूँ, टेस्ट बता सकता हूँ, जायका बता सकता हूँ, 92 शहरों में क्या होगा। मैं मानता हूँ भारत का सबसे अनटच एरिया भी रहा है जिसको काम में ले, और वो है नॉर्थ ईस्ट। मैं चाहूंगा आने वाले एक साल में नॉर्थ ईस्ट में हम अपना व्यापार आगे बढ़ाए, क्योंकि फोकस का लेवल बहुत ज्यादा है। बिहार यूपी सब बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां पर लोग मिलकर काम करते हैं। इसलिए जब भी आप कोई प्रोग्राम करें तो केवल हस्बैंड या वाइफ को ना बुलाएं, फैमिली को बुलाएं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग फैमिली बेस्ड बिजनेस है। मेरी बात आप तक पहुंची तो एक बार जरा नारा लगा दीजिए। एक बार एक्टिविटी भी कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या आप तैयार हैं? Yes! आपको मैं केवल 30 सेकंड दूंगा, चार पांच लोगों से मिलने का, जोश के साथ मिलिएगा, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, इसकी वीडियो बनेगी, चेहरा बढ़िया रखिएगा, हाथ अच्छे से मिलाइएगा, जो गले मिलने की इजाजत है उसी से गले मिलिएगा। भैया मुझे शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। अरे हाँ, आप गले में रखो, को जो कहे मिलो, नमस्ते करें, जबरदस्ती नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि नेचुरल जगाना है बाहर। तो एक बार क्या आप तैयार हैं? आपका लोगों से मिलने का और बात बताने का समय शुरू हो गया। खड़े होइए, जय हो, जय भारत,
सुनिए, जितनी मेरे यहाँ मान रहे हैं बहने हैं ध्यान से सुनिए, इसका आज हम आपके लिए बजा रहे हैं। जैसा कि होता है हर घर में हाउस वाइफ अगर कोई काम नहीं कर रही है तो उसको अपने इनकम के लिए हस्बैंड पर डिपेंड होना पड़ता है, महीने के खर्च के लिए। तो साउथ कोरिया में एक हाउस वाइफ अपने हस्बैंड से कुछ पैसे मांगती है घर के खर्चे के लिए, और पैसे मांगते वक्त एक दिन उसने कहा अपने हस्बैंड को, इस बार महीने के खर्चे में थोड़ा ज्यादा ऐड कर दो। कोई बड़ी बात नहीं। हस्बैंड का जवाब सुनो, मैंने कौन सी इस कंट्री का नाम बोला? साउथ कोरिया। भारत की बात मैं नहीं कर रहा, भारत के सारे पति अच्छे हैं। अपने देश की पढ़ाई क्यों करूं? मैं मान लेता हूँ सारे अच्छे, तुम दूसरे देश में चले। पति ने पत्नी की बात सुन के क्या बोला? ध्यान से सुने, जितनी भी माताएं बहने आई हुई है, ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और मैं लिख के देता हूँ, आपके पति के पे आउट में आपका सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। ध्यान से सुने, हस्बैंड कुछ ऐसा बॉडी लैंग्वेज करके बात करता है। देखिए, हमारी हम जो बात करते हैं उसमें लैंग्वेज का 7% रोल है और बॉडी लैंग्वेज का 93% रोल है। 93, यानी अगर आपने फोटो अपलोड करके सामने वाले को ऐसे बोल दिया, ये कंपनी है, मॉरल बनाना है, मादक को जगाना है, तो मेरा विचार ये है तुमको इसमें आना चाहिए, वो विचार ही रह जाएगा। आपका मॉरल ही डाउन, उसका क्या बनाएंगे? लेकिन अगर आपने फोटो अपलोड करके ऐसे बोले, भाई मेरी जिंदगी तो बदल रही है, तू मेरा दोस्त है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे बताऊं, आना ना आना सुनना तेरी प्रॉब्लम, खत्म, फोन डाउन, फोन डाउन। बातों में ताकत है, उसे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आपका अंदाज, आपकी बात, आपका चेहरा, आपका रुतबा कन्विंस करने के लिए काफी होना चाहिए। मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूं, बस अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। बॉडी लैंग्वेज 93%, लैंग्वेज 7%। आप कहेंगे राजेश भाई, आपको जो राजेश भाई बैठे पढ़ा सकते हैं, मुझे भाई सुनना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक, राजीव भाई प्रूफ करके दिखाइए बॉडी लैंग्वेज कैसे तैयार, अभी प्रूफ कर दो। ट्रेनर आदमी हूँ, कोच आदमी, पहले प्रूफ करूंगा फिर बात करूंगा। दाहिना हाथ ऊपर कीजिए, सुदर्शन चक्र की तरह उंगली को रखिए, नजदीक लाइए, नजदीक लाइए, टच मत कीजिएगा, और जल्दी से अपने चिन्ह को टच कीजिए। किसको टच करने बोला मैंने? चिन्ह को। आपने क्या टच किया? चिन्ह को, बाल को। मैंने क्या बोला था? जल्दी से अपने चिन्ह को टच कीजिए। टूटी, आपने क्या टच किया? गाल। समझ में आ गया? बॉडी लैंग्वेज ज्यादा पावरफुल है, लैंग्वेज कम पावरफुल है। अभी देखो दूसरा प्रयोग करते हैं, दूसरा, दोनों हाथ ऐसे कीजिए, एक साउंड, एक साउंड, एक साउंड, फिर से। अरे भाई मेरे बाल, पहले कोच को देख लीजिए तो फिर मेरे बाल। आर यू रेडी?
वापस कहानी में लौटते हैं। पत्नी ने पति से बोला इस महीने थोड़ा खर्चा, पति ने किस बॉडी लैंग्वेज से जवाब दिया वो ध्यान से देखो। पति कहता है, पत्नी कहती 18 साल शादी के हो गए अभी भी विश्वास नहीं है। पति कहता वैसे तो तेरे ऊपर विश्वास करता हूं। वैसे क्या मतलब है? वैसे क्या मतलब है? या तो विश्वास है या नहीं है। वैसे विश्वास का मतलब क्या होता है? पत्नी के आत्मसम्मान को इतना ठेस लगा, उसने कहा जरूरत नहीं, छोड़, भीख मांग के भी पैसे लिए तो क्या लिए। और ये केवल पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, सिंबॉलिक मत लीजिएगा। उसकी पत्नी ने पता लगाना शुरू किया कोई ऐसा पार्ट टाइम व्यापार मैं कर सकती हूँ क्या, घर से हाउस वाइफ है तो घर से ही व्यापार करेगी। तो दुनिया का बेहतरीन होम बेस्ड पार्ट टाइम बिजनेस इससे बढ़िया कोई है नहीं। यहां आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो है। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको यहां केवल टाइम देना है, कमिटमेंट देनी है, पैशन देना है, एजुकेशन लेना है, सीखना है, स्किल डेवलप करनी है, बाकी काम इन्होंने कर रखा है। 99.9% इन्होंने कर रखा है, 0.1% आपने करना है। उसमें भी अगर हम कब्रिस्तान में लेट जाए तो कैसे काम होगा? मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है। बंदा कहता है आईडी भी आप लगा दो, टीम भी आप बना दो, लेग भी आप चला दो, वो तुम क्यों रखोगे भाई? माफ करना बच्चे हैं, मैं एक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, फिर संतान भी मैं पैदा कर देता हूं, उसमें क्या देता हूं? भाई तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं पावर लेग मिलने का मतलब है आपको एक सपोर्ट मिल गई, दूसरी लेग को तो बढ़ाना पड़ेगा। आया ना जोर से बोले, दोनों पावर लेग मिल जाए मैं आराम करूंगा। क्या बात, क्या बात, ये जो इतने लोग आए मेहनत करके ऐसे नहीं आए, इतनी दूर से जो आए हैं, आपको ये जो पल मिलते हैं ना दो दिन सेलिब्रेट करने के, ये महीनों की मुशक्कत के बाद ये पल आते हैं, इनको निचोड़ के जीना है, निचोड़ के जीना है। और तैयारी करनी है अगले टारगेट की जो अनाउंस किया गया है। ये मत कहना अब हो गया भैया, अब तो कब्र में पैर लटके हुए, कब्र में जाते वक्त एक क्वाइटी लगा के जाना। और मैं तो अपने लिए करता हूँ कि ऊपर भी मिलोगे तो भी वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ आपको। पत्नी ने कहा अब पैसे देने की जरूरत, उसने पार्ट टाइम बिजनेस खोजना शुरू किया। और दोस्तों खोजने पर तो भगवान मिल जाते हैं, ये तो बिजनेस है। उसको एक दोस्त मिल गई जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थी। पत्नी से उसकी दोस्त ने पूछा तेरे जेब में अभी कितने पैसे हैं? बोले मेरे पास 100 रुपए उनकी मुद्रा में। तो उसने कहा 100 रुपए में केवल कंपनी का कैटलॉग आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। ध्यान से सुनना, ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस कैसे है मैं आपको समझाने वाला हूं। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम कैटलॉग दे दे, करना क्या है ये पूछते ना हम। अच्छा मैं ये मानता हूं जिनको पता है क्यों करना है वो ज्यादा ये नहीं पूछते क्या करना है, जिनका वाई क्लियर है उनको हाउ की ज्यादा परवाह नहीं होगी। क्या करना है, कैसे करना है, कमाल हो गया, हर चीज में कैसे कैसे क्या होता है। उससे ना कुछ नहीं करना है, तुझे लोगों से मिलना है, ये कैटलॉग दिखाना है और प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, क्योंकि बिजनेस के बारे में भी तू नहीं बता पाएगी। समझ में आ रहा है तो उससे बोलिएगा। और बताते 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 अपनी कहानी साथ में बतानी है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं लेकिन मैं आमदनी के मामले में अपने घर वालों पर निर्भर होना नहीं चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अगर आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपका भी भला होगा और मेरी भी आमदनी बढ़ जाएगी। मन कर रहा है ताली बजाने का? नारा ही जगाना है। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हुई, पेआउट आना शुरू हुआ। एक दिन ऐसा आया कि पत्नी की जो मंथली सैलरी थी उससे डबल इसका पेआउट आने लगा। कड़म समझ पा रही हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार जोर से नारा लगा दीजिए कड़म के। अब खेल देखो, हर महीने की 1 तारीख को
चार पांच हजार मतलब तुम छह रखो यार, आगे मांगने की जरूरत ना पड़े। कंपनी के सालाना जलसे में इसको मंच में बुला दिया। पति सामने बैठे थे, इसने अपनी कहानी ऐसे चीज बताई। मैं पति की भी हिम्मत की बात देता हूँ जो अपनी बुराई सुनने के बाद भी अपने को नहीं छोड़ा, उसकी भी हिम्मत की बात देता हूँ। मैंने ऐसा किया। फिर किसी ने पूछा, अगर आपको इतनी चोट लगी तो आपने अपने पति को छोड़ा क्यों नहीं? मैं जो मजा पैसे देने में वो छोड़ने में नहीं आया। क्या बात है, जो मजा पैसे देने में है वो छोड़ने में नहीं। और मैं तारीफ फिर पति की करूंगा, इतना सुनने के बावजूद उसने पति को और बढ़ावा दिया। आज वो साउथ कोरिया में नंबर वन नेटवर्क मार्केटिंग की लीडर बनी हुई है। मित्रों, आपको आज इस रूम में संकल्प लेना है। पता है संकल्प कैसे लेते हैं? संकल्प लेने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूं, जो मैंने सीखा था, जिससे मैं बना और मेरे के बाद जितने लोग ट्रेंड है वो बने। संकल्प लेने का तरीका है, आप सीधा बैठे, मजा आ जाएगा। देखिए मैं सिखाता हूं, 90 डिग्री के एंगल में बैठे, 90 डिग्री, ठीक है? और जब मैं बोलूं को, सुनो, जब मैं बोलूं तो आपने लंबी सांस नाक से ली है और सांस को रोक लेना 10 सेकंड, और रोकते हुए उसी वक्त कहना है मेरा अरबपति बनना तय है, मेरा अरबपति बनना तय। इसको कहते हैं अपने संकल्प को सांस के साथ जोड़ देना, अपने संकल्प को सांस के साथ जोड़ देना। अब होगा क्या, जब भी आप सांस लेंगे आपको बार बार सांस नाक में आएगा, मेरा अरबपति बनना तय, मेरा अरबपति बनना तय, मेरा अरबपति बनना तय। और जब सांसों में संकल्प पहुंच जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं। बस ये याद रखना, जब भी सांस लो थोड़ा रोक दो और संकल्प को दोहराते रहो। कितना भी गोल बना लो, कितना भी लिख लो, जो वजह सांसों में संकल्प पालने में है वो लिखने में नहीं होगा। 4 साल का बच्चा सपना देखता है, आप याद रखें, आपका ब्रेन पिक्चर में देखता है, शब्दों में नहीं सोचता। आपका ब्रेन पिक्चर में देखता है, शब्दों में नहीं सोचता। 4 साल का बच्चा सपना देखता है, एक दिन में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा। कितने साल का? 4 साल। 4 साल। उसके पिताजी आके कहते हैं, बेटे मेरे को तेरे लिए क्या करना है बता। जैसे आपके बच्चे आएंगे ना, मैं तो बहुत खुश हूँ कि बच्चे यहाँ बैठे हुए। मेरा तो ड्रीम ही है 15 साल की उम्र में बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। 15 साल की उम्र मुझे ईश्वर ने अगर आप लोगों के साथ काम करने का मौका दिया, ईश्वर करे देगा, तो मैं तो चाहूंगा कॉलेज पास करते ही, 12वीं पास करते ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग बच्चों को मिलनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा 12वीं पास करते ही पैन कार्ड बनते ही उनको अरबपति सम्मेलन में बुलाऊंगा। मैं तो ये चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ 25 साल तो बच्चा माँ का दुलारा बना रहता है। कैसे दुलारा बना रहता है? कैसे? मम्मी मुझे नोटबुक लानी है, कौन सी लाऊं? मम्मी मुझे पेंसिल लानी है, कौन? यानी आपका बच्चा 25 साल की उम्र का हो गया, बट हरकतें 10 साल वाला था। 25 साल में आपको पता होना चाहिए, आपके निर्णय आपके खुद होने चाहिए। मेरी बात पहुंच रही है आपको? 50 साल बाद उसको इन शब्दों का पता पड़ता है। आर्थिक आजादी किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल सक्सेस किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं? सेकेंड इनकम किसको बोलते हैं? एक्स्ट्रा इनकम किसको बोलते हैं? एक छोटा सा प्रश्न आपके मन में डाल दे रहा हूं, फोन पे जो भी आपको मिले, 4 फीट की दूरी में जो भी दिखे और फोन पे जो भी मिले, एक ही बात आपने पूछनी है, सेकेंड इनकम के लिए क्या करना है? बस ये पूछ के छोड़ देना, सेकेंड इनकम के लिए क्या करना है? और वो आपसे कहकर कुछ नहीं कर रहे, कभी मौका मिले तो मुझे संपर्क करना, कुछ मैं बताना चाहूंगा। बस ये कह के आपको चुप हो जाता है। आपको 24 घंटे चील वाली नजर रखनी है कि मुझे हर व्यक्ति की आर्थिक आजादी दिलवानी है, पैसा उससे कमाना है, ये मैं सोच रहा हूं। कई बार पहुंच रही है आपको? 4 साल का
बच्चा सपना देखता है, एक दिन में किसके ऊपर चढ़ जाऊंगा? 29,208 फीट की ऊंचाई। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद करूंगा। मैं चाहता हूं भारत में हर घर में, अब थोड़ा भारत बदलना शुरू हो गया है, अब हम बहुत अच्छी बात देखते हैं, पिछले 10 साल से देख रहे हैं। मैं चाहता हूं हर घर में बच्चों को, अगर आपका बच्चा कोई सपना लेकर आए, साथ अच्छे आए हैं, ये बच्चे यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते ये आपके बिजनेस की ग्रोथ में कितना हेल्प करने वाले हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब नहीं कल्पना कर सकते। उस बच्चे ने पिताजी से कहा, रोज सुबह केवल मुझे ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए, मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, आप नीचे खड़े रहिए। दुनिया का सबसे कोई भयंकर दुश्मन है तो आपके भीतर बैठा हुआ था। बस आपने अगर इस डर को समझ लिया, क्या डर है? मैं इसको कुछ बोलूंगा तो कहीं मना ना कर दे। उसे बोला आपके पास टेलीफोन कॉल आते हैं, मुझे कॉल सेंटर से आते हैं, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, आते हैं यस, और आप उनको गालियां देते हैं। मैं कभी डिफेंस से मैं इनका ट्रेनर हूं, गालियां देने की उनको कमीशन देती है। उनको मैंने सिखाया है अगर तूने 10 गालियां सुनी तो सैलरी के साथ इतना कमीशन मिलेगा। अब वो आपको फोन करती है, आपने कहा तेज से, जो कि गलत शब्द है एक महिला के, वो कहते हैं थैंक यू सर, एक गाली। दूसरी गाली, यानी उसकी कमीशन 10वें नंबर पे आने वाली है। 9 तक गालियां मिलती हैं, एक बंदा कहता है हाँ जी हमें लोन चाहिए, लोन दिलवाया तो भी कमीशन, गालियां मिली तो भी कमीशन। बनने में मदद कर रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा हो सकता है वो 15 नंबर पर बैठा हो, 13 की गालियां आपको सुननी पड़ेंगी। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, जब कोई ना बोले तो वो ना उसका आपके लिए ना नहीं है, उसको कोई मामू बना गया होगा उसका नाम है। तो जब कोई ना बोले तो उससे कहना, भाई मैं जानना चाहूंगा, मैं तेरे पास अच्छा प्रस्ताव लेकर आया, तूने ना क्यों बोला? ना क्यों बोले? बोले सर ऐसी दो नंबर कंपनी है, ऐसी कहें जो उसका बोली। तो मेरे पिताजी ने सिखाया था, ऐसे व्यक्ति को बैठाओ, लंच कराओ, उससे उसका दुखड़ा सुनो, दुखड़ा भड़ास सुनो। 45 मिनट में भड़ास निकलती है, टाइम कॉल कर लेंगे। कितना मिनट बोला मैंने? 45 मिनट। 45 मिनट के बाद भड़ास निकल जाएगी। उसने कहा यार जो आवाज का स्तर 45 मिनट पहले था, 45 मिनट बाद, देखो सभी ऐसे होते, तब आप कहने मैं ऐसा नहीं। आपकी आंखें झपकनी नहीं चाहिए, पलके झपकनी नहीं चाहिए, सीधा बोलो मैं ऐसा नहीं हूं। तो खाली मुझे देखो ये बता मेरे पे विश्वास है या नहीं। हिप्नोटाइज कर दो मेरे को, तब वो कहेगा नहीं तेरे पर तो विश्वास काम हो गया। मेरा एक स्लोगन है नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों के लिए, 2 hours a day keeps tension away। 2 घंटा अगर आपने कुछ नहीं भी करो, 2 घंटा आपने नए लोगों से बात करनी, खाली बात, और मैं क्या हूं कैसे चल, 16 बातें करने के बाद 17वां में हाथ कर देगा। 16 बातें क्या क्या है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या काम कर रहे हो, किस तरह का, क्या कहां क्यों क्यों क्या पहुंचा है, आपको 16 बार बोलना समझ में आ गया। रोज से आप बोलेंगे 17वीं बार वो आपको बोलेगा भाई तू क्या करता है, इसको क्या करता है। 28 साल का निचोड़ मैं आपको 70 मिनट में देने का प्रयास कर रहा हूँ, बस इसको आज से गांठ बांध लीजिए। शाम तक आप खुद ही मिलोगे, मैं तो शाम तक हूँ, आप मिलोगे रात को, राजेश भाई 4 घंटे में मैंने जज्बा पैदा कर दिया। जब मुकेश अंबानी घंटों में करोड़ों में पैदा कर सकते हैं तो आपको नहीं पैदा कर सकते। चार साल का बच्चा, अपनी कहानी में वापस आना चाहता हूँ आपको, मैं भूलने वाला नहीं। कितने फुट की ऊंचाई? 29,208। बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हुई, रोज पेड़ पे चढ़ता,
वो डरता डरता पिताजी का पड़ते अंदर से डर निकल गया, जैसे एक टेली कॉलर कॉल करते करते इसका डर निकल गया। आप बस आज रात को बस एक ही चीज देखें, चाहे मेरी माताएं बहने हैं भाई जितने भी बैठे हैं, एक चीज बस देखें, मैं किसी से फोन पे जब बात करती हूँ या करता हूँ तो मेरे अंदर कोई डर तो नहीं मान पड़ा, बस इसको देख लीजिएगा। आप पाएंगे बाहर कोई डर नहीं है, भीतर डर का कहीं ना ना कर दे। हाँ या ना, जोर से बोलिएगा। और मैं निवेदन करता हूँ ना सुनने के लिए आप बात करो, डर बदल जाएगा। तो एक दो सिक्के उठा के क्या मिलेगा, ये बजानी है तो जोर से बजानी। मैं प्रयास कर रहा हूं आपकी हरकतें देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कि शायद मैं जहां पहुंचना चाह रहा हूं आप मेरे साथ पहुंच पहुंच रहे हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? कल्पना करें अगले अगले कार्यक्रम में जहां भी होने वाला है, साथ में बुला दिया, हल्का सा हिंट तो दे दिया है, कौन सी जगह से अरब सागर तक तो पहुंचाई थी और डुबकी लगा दी बस। अब कल्पना करें अगले कार्यक्रम में एक बड़ी सी लाइट आपको फॉलो करती है, देखिए ध्यान से देखिए, और आपका चेक 4 महीने 5 महीने में डबल डबल हो गया और आपका नाम होस्ट लेता है या लेती है या शर्मा जी लेते हैं और वो लाइट आपको फॉलो कर रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपके सामने एक ऐसी हस्ती को पेश करता हूँ जिसने पिछली बार गोवा में ये संकल्प लिया था कि 4 महीने में मैं अपनी आमदनी को डबल या ट्रिपल कर दूंगा या कर दूंगी, दूंगा नहीं दूंगी भी ऐसे ही है, पर दूंगा या कर दूंगी। आज मुझे खुशी है कि उसने 4 महीने में डबल या ट्रिपल किया है और मैं आज आपके सामने गड़गड़ाहट के बीच इस लाइट को फॉलो करते हुए उसको पेश करना चाहूंगा। आप दौड़ते 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 मंच पे आ रहे हैं, सारी तालियां आप पर बज रही हैं, आपके परिवार वाले नीचे बैठे हैं, उनकी आंखों से एक आंसू का बूंद टपकता है और वो बूंद उस करोड़ या अरब से ज्यादा कम नहीं है, उससे भी ज्यादा है, क्योंकि वो भावनात्मक है। वो आंखों के आंसू कह रहे हैं मुझे पता था तुम करके दिखा सकते। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आने वाले 4 महीने दिन रात एक करना पड़ेगा। 4 साल का बच्चा बड़ा हुआ, 21 साल की उम्र तक पहुंचा, पहुंचने के बाद एक दिन उसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर दी, पहुंच गया, लेकिन किसी कारण वो नहीं पहुंच पाया, अपने देश वापस आ गया। जब वो अपने देश वापस आया उसके देशवासियों ने ऐसे ही बहुत बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज किया और जलसे में उसको थर्मोकोल का बना माउंट एवरेस्ट गिफ्ट किया। थर्मोकोल जिन्होंने जानते हैं जरा जोर से हाथ, सभी जानते हैं। थर्मोकोल के ऊपर उसने माउंट एवरेस्ट की पिक्चर लगा दी, बच्चे की पिक्चर लगा दी थर्मोकोल के ऊपर, और उस गांव के मुखिया ने थर्मोकोल के ऊपर बच्चे की पिक्चर जो जो 21 साल का था लगाने के बाद कहते हैं गांव के मुखिया माइक लेकर, माउंट एवरेस्ट पे तो सब नहीं चढ़ पाए कोई बात नहीं, हमारी नजर में चढ़ गए। दोस्तों जब आपस के लोग इस तरह का मोटिवेशन देना शुरू करते हैं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के जलसे क्यों अच्छे लगते हैं, यहाँ पर मोटिवेशन सेलिब्रेशन के अलावा कोई बात ही नहीं है, ओनली मोटिवेशन ओनली सेलिब्रेशन नो डिप्रेशन। आप देखेंगे कभी नेगेटिव बात नहीं होती है, बाहर देखो देश का बहुत बुरा हाल, तुम्हारा बुरा हाल, अब इस देश का कुछ नहीं होने वाला। अरे कब से सुनते आ रहे हैं, जॉन कैनेडी ने कहा था डोंट आस्क व्हाट कंट्री हैज डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री, जॉन कैनेडी ने कहा। उसके काम वालों ने उसको बुलाया, थर्मोकोल का माउंट एवरेस्ट गिफ्ट किया, उसको बच्चे लगाई, बच्चे को माइक दिया और कहा कुछ बोलो, जब तुम माउंट एवरेस्ट पे जा रहे थे तो कैसा लग रहा। दोस्तों ये कहानियां नहीं सच्चाइयां हैं, आपके भीतर असीमित क्षमताएं छुपी हैं, असीमित। आज रात को बस एक संकल्प
पैसे के साथ साथ इतना नाम कमाऊंगा। कल जो लड़का मुझे गाड़ी में छोड़ने आया, टैक्सी ड्राइवर, सुनिए, जो छोड़ने आया उसका नाम है मिथुन, लड़का कर्नाटक का है। मेरी आदत है मैं हर एक से बात करता हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस भाग करने का बिजनेस है, पता नहीं अगली बार ऑनलाइन का बन गया है। मेरी नहीं, जिसकी बोलेगी उसको दे दूंगा, मैं तो ट्रेनिंग देती हूँ। तो रास्ते में मैंने उसको कहा यार म्यूजिक लगाया, बिना म्यूजिक के मेरे अंदर जान नहीं आती, जैसे मैं म्यूजिक चल चल रहा। उसने अरिजीत सिंह के गाने लगाए और आनंद ही आनंद, एक घंटे के टाइम थे। और फिर उसने कहा साहब आप करते क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं टैक्सी में, बट आप थोड़ा अलग है। मैंने कहा ये मैं सुनना भी चाह रहा हूँ। मैंने कहा लोगों की जिंदगी बुलाता हूँ, मेरा एक ही लाइन में टाइम है, मैं लोगों की जिंदगी बुलाता हूँ, मेरे 200 वीडियोज हैं यूट्यूब पे, मैंने बताया। तो उसने कहा सुनिए, ध्यान से सुनिए, बोले साहब मुझको हिंदी बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन इस पृथ्वी पर आने का क्या फायदा जब तक कुछ नाम ना कमा पाओ। बोलो टैक्सी ड्राइवर, ये टैक्सी ड्राइवर के अंदर भी एक ड्रीम है कि अगर इस पृथ्वी पर आए हो तो कुछ नाम कमा के वापस जाओ, पाने का क्या फायदा। बच्चे के हाथ में माइक दिया जाता है, बच्चे का नाम है सर एडमिन हिलेरी, बच्चा भी अब तो बड़ा हो गया, और उससे पूछा जाता है जब तुम ऊपर चढ़ गए थे तो कैसा लग रहा था। बच्चे ने माइक लिया, यानी सर एडमिन हिलेरी ने माइक लिया, और सामने जो माउंट एवरेस्ट बना हुआ था ना थर्मोकोल का, उसको देखते हुए कुछ कहा, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन लोगों को रिजेक्शन का डर है, नो सुनने का डर है, अनसक्सेसफुल ना होने का डर है, हिचकिचाने का डर है, सब डर, सारे डर को अगर सागर में डुबा के चले जाइए, सारे डर। उसने माइक लिया और कहा माउंट एवरेस्ट में तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, तुम अपनी ऊंचाई से और ऊपर नहीं जा सकते, मैं जा सकता हूं। माउंट एवरेस्ट तुम अपनी ऊंचाई से और ऊपर नहीं जा सकते हो, मैं जा सकता हूं। तो दोस्तों एक और एक्टिविटी करूंगा आपके साथ, क्योंकि मेरा काम केवल लेक्चर देना नहीं है, सबको इन्वॉल्व करना है। आपको आनंद आ रहा है? यस। एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा आर यू रेडी, और आपने भी नहीं यस नहीं बोलना है, आपने कहना है आई एम रेडी। क्या बोलना है? आई एम रेडी। बच्ची की आवाज यहां तक पहुंची, देखो, और फिर मैं कहूंगा गो, और फिर आपको चार लोगों से वैसे मिलना है, और मिलते हुए कहना है आज मैं अपने तमाम डर को उखाड़ के फेंकता हूं और अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरुआत करता हूं। ये बोलना है। अच्छा, इसमें कुछ लोग कंजूसी कर देंगे, कैसे बोलेंगे? मैं जितने भी डर थे आज मैंने उखाड़ दिया। डर कहेगा उखाड़ मारा ऐसे डर उखाड़ अंदर से नाभि के पॉइंट से बोलना, आज मैंने सारे डर उखाड़ फेंक दिए और मैं बढ़िया कैसे। आपके आवाज के तीन चैनल हैं, एक गले का चैनल है, एक दिल का चैनल है, एक नाभि का चैनल है। जो लोग केवल गले से आवाज निकालते हैं वो कम पावर से निकालते हैं, कोशिश करें यहां से निकालें। फोन पर भी जब बात करें आज से भी तो थोड़ा गहरी आवाज में बात करें। मेरा ख्याल है तुम एक बार उससे मिलो, कुछ नया होने वाला है। भाई तुम मिल रही है, हेलो एमएलए, क्या कर रहे हो, कैसी बात। मेरा ख्याल है बात में थोड़ा लहजा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ी तासीर होनी चाहिए, थोड़ा अंदाजे बयां होना चाहिए। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, नजरें जो तुमसे मिले तो तुमको सलाम। और मुझे तो होश नहीं, तुम ही मशवरा दो कहां से छेड़ू फसाना कहां तुम्हारा। तो लिख के दे रहा हूं राजेश भाई का वादा, सफलता पीछे पीछे है। एक से बात करें लेकिन सॉलिड बात करें, वन शॉट वन पॉल, वन शॉट। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का स्नाइपर, स्नाइपर टक खत्म, टक खत्म। यार इधर मार रहा है, इधर अंधेरे में चला रहा है, कहीं तो ठीक। अरे नहीं, तीर लगाना, वो जमाने लग गए, आराम से
से बात करें, लंबी सांस लेके बात करें, मिले चैप्टर क्लोज, उसको ट्रेंड करें, ग्रो करें। एक बार फिर से रिस्पॉन्स कीजिए, एक बार फिर से 90 डिग्री का एंगल है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बैठो। यार कोविड के बाद बहुत दिन बाद बड़ी गैदरिंग को मैं संबोधित कर रहा हूँ, छोटी छोटी तो मैं कर ही रहा था, और धन्यवाद देता हूँ आपकी संस्था का, मेरा साहब का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया आपसे बात करने में। मेरी जिंदगी के ये बेहतरीन पल होते हैं, 70-80 मिनट जो होते हैं, एक एक कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं, और मुझे लगता है आज का प्रेजेंटेशन, 3600 जो प्रेजेंटेशन मैंने की 28 साल, उससे बढ़िया बन गया। और मेरी बात में यकीन ना हो तो मेरा साथ से पूछ लीजिए, तो 97 से मुझे सुनते आ रहा है, पूछ लीजिए, मुझे लगता है आज बस सिंपल बात का करोड़पति बना के जाना है, कम से कम छोड़ना नहीं है, यहां से शुरुआत तो करो, करोड़पति बनते बनते अरबपति तक पहुंच जाए आज। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, मुझे पैसा क्यों कमाना है, एक ही काम के लिए कमाना है, बिगर पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। तुलसी संसार में मतलब का व्यवहार, और जब तक पैसा पास में तब तक काको यार, और तब तक काको यार, यार संगी से डोले, और पैसा रहा ना पास यार मुझसे नहीं होगी। क्रेडिट होते ही सारी कोशिकाएं खेल जाती हैं, जोर से यस बोलिएगा, आपका जब प्यार पाता होगा क्रेडिट की आवाज ही बढ़ेगी। मैं निवेदन करूंगा कि आपका ये टंग टंग रोज होता रहे, रोज रोज, एक बार जरा दर्द को बाहर निकालते हैं और जिंदगी को बदलते हैं। क्या आप तैयार हैं? उन्होंने देखा तेंजिंग एडवर्टिजारी सब माउंट एवरेस्ट पर बैठे,
तो किसी भगवान ने कहा ऐसा करो समंदर के नीचे इनकी क्षमता को छोड़ना। तो एक भगवान ने कहा मैं भविष्य को जरा देख लू, तो देखा डिस्कवरी चैनल सारे समंदर के नीचे बैठे हुए। अब डिबेट हो रही है इंसान की क्षमताओं को कहां छुपाया जाए और उनको जगाया कैसे जाए। तो फाइनली डिस्कशन ये हुआ, आप कहिए राजीव भाई आपको क्यों पता था, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। कैसी बात कर रहे हो, आपका छोड़ दो मर के देख लो मिल जाऊंगा, मर के देख लो मिल जाऊंगा। तो भगवान ने कहा क्या थोड़ा हंसी मजाक जीवन में ना हो तो क्या चाहिए, सही कह रहे हैं करते हैं। एक बंदे ने व्हाट्सएप लिख के भेजा मेरे मरने के बाद आंसू ना बहाना बहुत याद आए तो ऊपर चले जाए। एक भगवान ने आइडिया दिया ना क्षमता पहाड़ पे छुपानी है ना समुंदर के नीचे छुपानी है, बंदे के भीतर ही डाल देना। जिसने भीतर अपने आप को जगा दिया, जिसने भीतर झांक के देख लिया, वो सारे रुकावटों को तोड़ के निकलेगा और वही व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। भगवान ने आपको बेहतरीन लोग दिए हैं, बेहतरीन मंच दिया है, बेहतरीन बिजनेस प्लान दिया है, बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड दिया है। चारों प्रश्नों का जवाब यस से जोर से नारा लगाइए। तो चारों चीज अगर बेहतर है तो समस्या कहां है, समस्या यह है जब पेआउट फिक्स हो जाता है तो हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। समझ में आ गया तो रिस्पॉन्स कीजिए यस। कंफर्ट जोन में मत आइएगा वरना वो मौत हो जाती है। कंफर्ट जोन मतलब क्षमताओं की मौत। मैं 28 साल काम करने के बाद अभी मैं नीचे अपने मित्रों से कह रहा था यार 10 साल में बनिया के अंदर पूरे दुनिया में ट्रेनिंग दे दी लोगों की। जब मैं ये बात कहता हूं तो मेरे भीतर 37 ट्रिलियन कोशिकाएं सुन रही हैं, क्योंकि हर एक कोशिका की अपनी अपनी मेमोरी है। yes. और उस मेमोरी तक आपकी बात पहुंचने में 120 दिन लगते हैं। कितने दिन? 120। अगर रोज आप खुद को याद दिला रहे मैं कर सकता हूं तो पहुंचते 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 120 दिन लगते हैं। मैं निवेदन करूंगा सांसों के साथ आप खुद को याद दिलाएं मेरा अरबपति बनना तय है, मेरा अरबपति कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चर्चाएं बहुत हैं, बातें बहुत हैं, जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते अपनी ही पुस्तक की कविता से लिखी कविता आपको गिफ्ट करता जाता हूं। अच्छी लगे तालियों से और नारे से इस पूरे हॉल को गूंज दीजिएगा और फिर मंच समर्पित करूंगा अगले हफ्ते कि हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप कभी छांव कभी बारिशों के संग देखे हैं और जैसे जैसे मौसम बदला लोगों के बदलते रंग देखे हैं। मुसाफिर हो तुम भी, बहुत जल्दी मॉरल ग्रुप के मंच पे आपसे मुलाकात होगी।